Please subscribe my channel. Like and share my video. हेलो दोस्तों, क्रेजी किड्स टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग धोबी और उसके गधे की एक कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक मूर्ख गधे पर आधारित है। इस कहानी को देखकर हम लोग कुछ ज्ञान की बातें भी सीखेंगे। कहानी सुनने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सिख की बातें भी सीखते हैं। तो चलिए सुनते हैं धोबी और उसके मूर्ख गधे की कहानी। मधुपुर नाम का एक गांव था, जिसमें एक रामू नाम का धोबी रहता था। वह कपड़े की बोरी उठाने के लिए एक गधा रखा था। उस गधे का नाम था बकलोल। प्रत्येक दिन सुबह रामू बकलोल को लेकर कपड़े धोने जाता था और शाम को कपड़े सूखा कर फिर वापस आता था। रामू बकलोल से बहुत ज्यादा काम कराता था और खाने के लिए सिर्फ सूखी घास देता था। बकलोल को वह सूखी घास देखकर बहुत गुस्सा आता और वो उस घास को नहीं खाता था। बकलोल मन ही मन सोचता, मैं अपने रामू मालिक की इतना सेवा करता हूँ, लेकिन रामू मालिक मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। मुझे सिर्फ दिन में दो बार ही खाना देते और वो भी सूखी घास खाने को देते। दिन पर दिन बकलोल पतला और कमजोर होते जा रहा था और ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था। रामू सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा काम और मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। रामू ने कुछ उपाय सोचकर बकलोल को दो के बजाय चार बार सूखी घास देने लगा। बकलोल फिर सूखी घास देखकर गुस्सा होता और घास नहीं खाता। रामू बकलोल को बोलता, अरे बकलोल, तुम घास क्यों नहीं खाते? तुम्हें दो के बजाय चार समय घास देता हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते। एक रात रामू बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, आखिर बकलोल ये घास क्यों नहीं खा रहा है? लगता है बकलोल को शायद सूखी घास पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं खाता। परंतु हरी घास उसे खाने को कैसे दूं? वो बाजार में बहुत महंगा मिलता है, उसे खरीदने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे हाँ, हरी घास तो बगल वाले खेत में लगे है, पर उसकी रखवाली खेत के रखवाले करते हैं। मैं कैसे खेत से घास को तोड़ पाऊंगा? खेत के रखवाले मार मार कर मेरा हड्डी पसली तोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं बकलोल को हरी घास नहीं दे पाऊंगा। मुझे बकलोल के खाने लिए कुछ सोचना होगा। ये सोचते सोचते रामू सो गया। अचानक उसकी नींद टूटी और उसे याद आया कि बहुत दिन पहले जब वह जंगल गया था तो वहाँ उसे एक मरा हुआ शेर का खाल मिला था। अगर मैं उस शेर की खाल को बकलोल को पहना दूं, तो खेत के सारे रखवाले बकलोल को शेर समझकर वहां से भाग जाएंगे और बकलोल खेत की हरी घास खा लेगा। अगले दिन रामू ने ठीक वैसे ही किया। बकलोल गधे को शेर की खाल पहना दी और बोला, तुम खेत में जाकर खेत की हरी घास खा लो। ये सुनकर बकलोल बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वह खेत को निकल गया। जैसे कि रामू ने सोचा था वही हुआ। बकलोल को शेर समझकर खेत में रखवाले वहां से शेर चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। बकलोल मन भरकर हरी घास खाया। और वापस अपने रामू मालिक के पास आ गया। प्रत्येक दिन बकलोल ऐसा ही करता। एक दिन एक खेत का रखवाला छुपकर बकलोल को देख रहा था। उसने देखा कि शेर घास खा रहा है। उसने सोचा, शेर तो कभी घास नहीं खाता, वो तो जानवरों का शिकार करता है। रखवाले ने आवाज लगाई, अरे वो शेर, तुम्हें हरी घास पसंद है? क्योंकि बकलोल एक मूर्ख गधा था, इसलिए उसने अपना सर हिलाकर बोला, हाँ, मुझे हरी घास बहुत पसंद है, इसलिए मैं घास खाने प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। तभी रखवाले ने कहा, बगल के गाँव के खेत में इससे भी ज्यादा हरी घास है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। यह सुनकर बकलोल बहुत खुश हुआ और क्योंकि वो गधा था, इसलिए वो गधे की आवाज निकालने लगा।
आवाज सुनकर रखवाला समझ गया कि ये कोई शेर नहीं है, ये तो कोई गधा है। उस रखवाले ने गधे को डंटे से पिट पिट कर मार डाला और बकलोल को अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी से सीख। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपनी पहचान और व्यवहार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारा अस्तित्व होता है। किसी के बोलने पर भी हमें अपना पहचान और व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। अपनी पहचान बदलने से आगे चलकर हमें उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो अभी के लिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बंदर अपनी सूझबूझ से अपनी जान एक मगरमच्छ से बचाता है, और इस कहानी से हम लोग कुछ सिख की बातें भी सीखेंगे। कहानी शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल में बहुत अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। हर कहानी से आप कुछ सिख की बातें भी सीखते हैं। तो चलिए सुनते हैं बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक नदी के किनारे एक आम का पैर था। उस पैर पर एक बंदर रहता था, उसका नाम था छोटू। उस पैर पर बहुत ही मीठे मीठे आम लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पैर के पास आया। उस मगरमच्छ का नाम था पोटलू। छोटू बंदर ने मगरमच्छ को देखकर पूछा, तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरा नाम पोटलू है, मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ। मैं और मेरी पत्नी बहुत दिनों से भूखे हैं, मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। पोटलू मगरमच्छ, यहाँ बहुत ही मीठे आम लगते हैं, तुम ये आम खाकर अपना और अपनी पत्नी की भूख मिटा सकते हो। और यह कहकर छोटू बंदर ने आम को तोड़कर मगरमच्छ को दी। छोटू बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए आम देता था। इस तरह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। प्रत्येक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के मीठे आम खाने को देता। मीठे आम खाकर वह बहुत खुश होती। एक दिन की बात है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछी, तुम तो पैर पर चढ़ नहीं सकते, फिर तुम कैसे इतना स्वादिष्ट आम पैर से तोड़ते हो? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बताया, वहाँ पर मेरा दोस्त छोटू बंदर रहता है, वही मुझे फल तोड़ के देता है। मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी, रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का मांस भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का मांस चाहिए, और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा, जब तक मुझे बंदर का मांस नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ मजबूर हो गया, और वो छोटू बंदर को अपने पत्नी के पास लाने का उपाय सोचने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा, दोस्त छोटू, तुमसे तुम्हारी भाभी मिलाने की बहुत जिद कर रही है। वो बोल रही थी कि जो हम लोगों को इतना मीठे आम तौर के देता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दोस्त पोटलू, मुझे नदी में तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मगरमच्छ ने उपाय सुझाया और कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाना, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और तुम सुरक्षित मेरे घर पहुंच जाओगे। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पैर से कूदा और उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, पोटलू मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं, और उसने छोटू बंदर को सारी बातें बता दिया कि उसकी पत्नी उसका मांस खाना चाहती है। छोटू बंदर ये सुनकर बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। छोटू बंदर ने तुरंत बोला, ओह मेरे पोटलू मित्र,
तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल आम के पेटडैच में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मेरा दिल मेरे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट है। पोटलू मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से आम के पैर पर छलांग लगाई और क्रोधित होकर बोला, मूर्ख पोटलू, दिल के बिना भी भला कोई जिंदा रह सकता है? तुम मुझसे दोस्ती करके मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। इस तरह पोटलू मगरमच्छ को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, शांत होकर उस मुसीबत से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। हमें अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।